क्या भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे? इस सवाल का जवाब अभी भी देना मुश्किल है। ऋषि सुनक पीएम पद की रेस में शामिल आखिरी 5 दावेदारों की लिस्ट में तो है, लेकिन उनकी राह उतनी आसान नहीं दिख रही। सोमवार को होने वाली तीसरे राउंड की वोटिंग के बाद ही तस्वीरें थोड़ी और साफ हो पाएगी। भारतवंशी ऋषि सुनक पीएम पद के लिए दावेदारों की रेस में अभी सबसे आगे हैं। ब्रिटेन में टीवी चैनल पर 90 मिनट की पहली बहस के दौरान ऋषि सुनक ने खुलासा किया है कि उन्होंने बोरिस जॉनसन की सरकार से इस्तीफा क्यों दिया था। बहस के दौरान उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने से पहले उन्होंने बहुत सोचा था, लेकिन उन्हें लगा कि अब बहुत हो गया है। मेरे इस्तीफे देने के पीछे वजह बहुत है, लेकिन विश्वास और ईमानदारी का मुद्दा सबसे बड़ा था। बोरिस जॉनसन के कैबिनेट वित्त मंत्री रहे ऋषि सुनक दूसरे दौर की वोटिंग में भी 101 वोट के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। पहले दौर की वोटिंग में उन्हें 88 वोट मिले थे। अगला मतदान सोमवार को होना है। ऋषि सुनक के अलावा कंजर्वेटिव पार्टी के पेनी मॉन्डेंट, लिज ट्रस और टॉम टुंगेट हट भी पीएम पद की रेस में शामिल हैं। ब्रिटेन में टीवी पर बहस के दौरान कंजर्वेटिव नेतृत्व की दौड़ में अंतिम 5 उम्मीदवार अपनी टैक्स योजनाओं को लेकर भिड़ते दिखे। इसके अलावा इन उम्मीदवारों से यह भी पूछा गया कि बोरिस जॉनसन एक ईमानदार व्यक्ति हैं या नहीं। नए प्रधानमंत्री के सामने सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई को कम करना है। महंगाई सबसे बड़ी दुश्मन है, ये सबको गरीब बना देती है। ये आपकी बचत, रहन सहन, खर्च की क्षमता को खत्म कर देती है। आप ब्याज के तले दब जाएंगे। इस वक्त बिना सोचे समझे और उधार लेना घातक होगा। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में प्रतियोगिताओं का सामना करने वाली 3 टीवी बहसों में से ये पहली बहस की चर्चा थी। शुक्रवार को हुई बहस में उम्मीदवारों का प्रदर्शन सोमवार यानी 18 जुलाई को कंजर्वेटिव सांसदों के मतदान के तरीके को प्रभावित कर सकता है। ABP News आपको रखे आगे।